बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। एक नए वीडियो के साथ आपका होस्ट पर तस्लीम रजा हाजिर है। आज हम बात करेंगे तुलबा के लिए स्मार्ट सिलेबस की तैयारी के हवाले से हम बात करेंगे। तो इस हवाले से मुझे जो पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की तरफ से मेरे एक दोस्त से बात हुई थी, उन्होंने मुझे एक मैसेज किया था स्मार्ट सिलेबस के हवाले से, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि पंजाब टेक्स्ट बोर्ड के सिलेबस में कोरोना वबा के तनाजर में तुलबा के लिए मुफ्त से लाजमी निसाब की तैयारी का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। अभी तक इस पर इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं हुआ, कोई इसका नोटिफिकेशन तो नहीं हुआ, लेकिन इस पर अभी जो है वो वर्क हो रहा है कि स्मार्ट सिलेबस जो है वो स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ड्यूरेशन जो है वो बहुत कम होगी। स्टूडेंट्स को 6 माह की ड्यूरेशन के दौरान इतना बड़ा सिलेबस जो है वो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसलिए जो पंजाब टेक्स्ट बोर्ड है वो स्मार्ट सिलेबस जो है वो बच्चों के लिए तैयार कर रही है। उसके मुताबिक हम देखते हैं तफसीलात के मुताबिक पंजाब टेक्स्ट बोर्ड के जो सिलेबस वेंगे जो सिलेबस को तैयार करती है, कोरोना वायरस वबा के तनाजर में तुलबा के लिए मुफ्त से लाजमी निसाब की तैयारी के लिए अहम इजलास हुआ। अब वो इजलास के बारे में वो स्टोरी उसने मेरे साथ शेयर की थी जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। इजलास में कोरोना वायरस वबा की वजह से हालिया तलीमी साल का दौरानिया जो है वो सितंबर से फरवरी तक, मतलब कि 6 माह का होगा। 6 माह के लिए जमात प्ले ग्रुप से 10वीं तक का स्मार्ट सिलेबस जो है वो तैयार किया जाएगा। स्मार्ट सिलेबस में लाजमी मवाद शामिल होगा। स्मार्ट सिलेबस का तनकीदी जायजा डॉक्टर जुल्फकार साकब की सरबराही में लिया गया और डिस्ट्रिक्ट लाहौर से सिलेबस के जायजे के लिए 15 सीनियर टीचर को कमेटी में भी शामिल किया गया है। और ये बहुत जल्द इंशाल्लाह आपको एक खुशखबरी मिलेगी स्टूडेंट्स के लिए, जो ख़ास बात है टीचर के लिए भी ख़ास बात है कि वो बच्चों को जो है वो जब 15 सितंबर को स्कूल ओपन हो जाएंगे तो उनके लिए ये एक ईजी हो जाएगा कि वो बच्चों को स्मार्ट सिलेबस जो पंजाब टेक्स्ट बोर्ड प्रोवाइड करेगी कि इतना सिलेबस कराना है, उसके मुताबिक 6 मंथ का जो सिलेबस होगा वो स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाएगा ताकि बच्चों के लिए सिलेबस कवर करना जो है वो आसान हो। तो ये खुशखबरी थी। कमेटी ने वर्क करना शुरू कर दिया जिसमें 15 टीचर जो हैं वो लाहौर के हैं और बाकी जो सरबराह हैं इस कमेटी के वो डॉक्टर जुल्फकार साकब साहब जो हैं वो इसकी सरबराह हैं कमेटी के, और 15 टीचर जो हैं वो सीनियर टीचर जो लाहौर से लिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो भी साथ वर्क कर रहे हैं। तो आप देखते हैं कब तक ये सिलेबस जो है वो तैयार होके हमारे सामने आ जाता है। जैसे ही सिलेबस जो स्मार्ट सिलेबस जो हमारे सामने आएगा इंशाल्लाह आप लोगों के साथ उसकी एक मुकम्मल वीडियो जो है सिलेबस की वो भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। और ये बड़ा ही बच्चों के लिए एक बड़ी अहम वीडियो थी और बच्चे अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। और अब जो कम से कम पहले 3-3, 4-4 चैप्टर जो हैं उनको अच्छी तरह वो बच्चे जो हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ और इंग्लिश के जो चैप्टर हैं वो कम से कम 5-5 चैप्टर जो है वो अच्छी तरह रिपीट कर लें। अगर उन्होंने इससे ज़्यादा सिलेबस कर लिया है तो वो दोबारा इसको रिपीट कर लें, क्योंकि आ रहा है आपको स्मार्ट सिलेबस आपके लिए तैयार हो रहा है, उसकी कमेटी ने वर्क करना शुरू कर दिया है। इंशाल्लाह जैसे ही स्कूल लगेंगे आपके स्कूल के अंदर सिलेबस जो है वो लगा दिया जाएगा प्ले ग्रुप से लेकर 10th क्लास तक के लिए स्टूडेंट जो है। और इंशाल्लाह जैसी नई कोई अपडेट आएगी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर ज़रूर करूँगा। तब तक अपने होस्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।